सुप्रभात, क्लास सेवेंथ, व्याकरण मंजरी का 20वां पाठ, अविकारी शब्द अव्यय। इसमें तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय, वे अव्यय जो दो या अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़कर सार्थक बनाते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी कि ये समुच्चय बोधक अव्यय जो हैं वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे अनुराग और अखिल ने चित्रकारी के, तो अनुराग और अखिल इन दोनों के बीच में जो और है यह समुच्चय बोधक अव्यय है। रामू निर्धन है परंतु ईमानदार है। इस वाक्य में रामू निर्धन है एक वाक्य है और ईमानदार है दूसरा, लेकिन परंतु जो है वो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए परंतु जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, तो वे समुच्चय बोधक जो समान स्तर वाले शब्दों वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे नेहा और दीपा सगी बहनें हैं, तो नेहा और दीपा इसमें जो और है वह जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि ये नेहा और दीपा दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, प्रधान तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं वही व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यानी कि ये प्रधान और आश्रित दोनों उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। जैसे ऐसा लग रहा है मानो तूफान आ गया। अब देखिए, ऐसा लग रहा है मानो तूफान आ गया में मानो शब्द जो है वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा उदाहरण, उसका पैर फिसल गया क्योंकि रास्ते में कीचड़ था। अब देखिए, उसका पैर फिसल गया यह एक वाक्य है और दूसरा है कि रास्ते में कीचड़ था। अब इन दोनों वाक्यों को क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। अब देखिए, इन समुच्चय बोधकों का प्रयोग मुख्य रूप से चार प्रकार से होता है। एक तो कारण बताने का कार्य करता है, जैसे कुछ पुस्तकें खरीदनी थी इसलिए बाजार जाना पड़ा, इसलिए जो है तो कारण बता रहा है। दूसरा है उद्देश्य बताने का कार्य, जैसे कसरत करो ताकि सेहत अच्छी रहे, यह उद्देश्य बता रहा है कि कसरत करने से क्या लाभ है। तीसरा है संकेत बताने का कार्य। अब देखिए, संकेत है कि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, यानी कि सफलता मिलना जो है वो परिश्रम करने पर निर्भर करता है कि अगर परिश्रम करोगे तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं। चौथा अविकारी शब्द जो है विस्मयादि बोधक है। अब सबसे पहले विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं, तो जो शब्द हर्ष, विस्मय, शोक, भय, घृणा आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका प्रयोग जो है विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग वाक्य के आरंभ में ही होता है और यह अविकारी हैं, अतः लिंग वचन व कारक के कारण इनके रूप में कोई परिवर्तन भी नहीं आता है। इनके साथ केवल विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग होता है जो वाक्य के आरंभ में ही लग जाता है।
यह केवल मन के भाव को व्यक्त करते हैं और अनायास ही ये मुख से निकल जाते हैं। जैसे छे कितनी गंदी गली है, शाबाश तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। फिर आश्चर्य से, अरे वह इतने दिन से बीमार है। तो इस तरह के शब्द जो हैं, अरे शाबाश वाह, ये विस्मय बोधक वाक्य शब्द हैं। अब देखिए उदाहरण स्वरूप में कुछ शब्द हैं जो विस्मय बोधक हैं, जैसे अरे क्या सच, ओ ऐ, जैसे इसमें शोक बोधक है, हे राम हाय ओ आदि शब्द जो हैं वो शोक बोधक हैं। कुछ घृणा बोधक होते हैं जैसे धत छे आदि। हर्ष बोधक जैसे शाबाश वाह धन्य आदि। संबंध बोधक अजी अरे हे आदि। फिर चेतावनी बोधक, जैसे आप देखते हैं कि कोई स्कूल बस रहती है तो उस पर लिखा रहता है सावधान बच्चे हैं, यानी कि यह चेतावनी बोधक उस पर लिखा रहता है वाक्य कि सावधान बच्चे हैं, यानी कि सावधान रहिए बच्चे हैं इसमें। धन्यवाद।